हाई गाइज, जय माता दी। वेलकम टू माई चैनल। मैं हूँ नेहा। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई विश कि ये नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ और अबंडेंस लेके आए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द स्कॉर्पियो साइन और देखेंगे कि जनवरी का फर्स्ट वीक कैसा रहेगा फॉर ऑल यू पीपल, फॉर योर लव लाइफ एंड करियर। सो लेट्स सी। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिए। और साथ में जो बेल आइकन बना है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि स्कॉर्पियो पीपल के लिए ये आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। पहले हम आपके लव लाइफ की बात करते हैं। ओके, सो too many cards are coming out. Okay. So for all the Scorpio people, आप किसी के साथ फैमिली इमेजिन करते हैं, राइट? मे बी अभी किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, राइट? नाउ मे बी कोई पास्ट इशू था आपकी लाइफ में, मे बी अ ब्रोकन मैरिज, और मे बी जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। नाउ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग इन योर लाइफ। कुछ आप वेट कर रहे हैं। मे बी यू वॉन्ट टू टेक अ फ्रेश स्टार्ट और अ न्यू लीप ऑफ फेथ एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट थिंग टू हैपन इन योर लाइफ, राइट? कुछ ना कुछ है आपकी लाइफ में जिस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। एंड ऑन द अदर हैंड योर पर्सन इज़ लाइक दे आर फीलिंग लाइक वेरी ओवरवेल्म्ड एंड वेरी नॉस्टैल्जिक एंड आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। दे आर फीलिंग लाइक दैट। दे सी अ फैमिली विद यू, वी हैव 10-10, सो सम सॉर्ट ऑफ लाइक कुछ आपकी लाइफ में कुछ कंप्लीट हो रहा है, कुछ साइकिल, राइट? कोई ना कोई लाइक यू वॉन्ट लाइक यू सी दे सी अ फैमिली विद यू स्कॉर्पियो, राइट? जो आपके पार्टनर है वो लाइक फैमिली इमेजिन करते हैं एंड मे बी दे आर थिंकिंग ऑफ अ सॉलिड ऑफर। कोई सॉलिड ऑफर की लाइफ का वेट कर रहे हैं आपके पर्सन। मे बी दे आर वेटिंग फॉर यू, लाइक, और मे बी दिस पर्सन इज लाइक सोच रहे हैं कि लाइक अ फैमिली सोच रहे हैं आपके साथ, इमेजिन करते हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ सॉलिड ऑफर। और मे बी वो आपको ऑफर करना चाहते हैं, उनके माइंड में ये चल रहा है, राइट? To reach you out, they imagine a family. They are like missing you badly. They are like feeling बहुत आपकी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, और मे बी somebody from your childhood. So for all the Scorpio people, आपकी जो person है, like आप लोगों के बीच में ना बहुत ज़्यादा immense love है, right? Maybe you are dealing with your soulmate or a twin flame और कुछ भी हो सकते हैं, but कोई यहाँ पर रिजिस्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ समथिंग। कुछ है जिसकी वजह से कोई आगे बढ़ने से लाइक रिजिस्ट कर रहा है। नाउ मे बी हो सकता है फॉर फ्यू ऑफ यू लाइक मे बी हो सकता है आपको कोई न्यूज़ मिले रिगार्डिंग दैट। मे बी कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही है किसी के माइंड में या किसी की लाइफ में, कुछ चल रहा है। मे बी बिकॉज ऑफ दैट समबडी इज रिजिस्टिंग। ऑल दो इक्वल लव है, बहुत इमोशंस है, राइट? मे बी यू आर डीलिंग विद अ अर्थ साइन और अ वाटर साइन, फेलो वाटर साइन के साथ हो सकता है डील कर रहे हो आप, और अ फायर साइन, राइट? बट कोई यहाँ पे लाइक मे बी सम सॉर्ट ऑफ लाइक मैसेज, और मे बी हो सकता है कि कोई यहाँ पे लाइक किसी को लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी ना लूज कर दे, या कुछ ना कुछ है, कोई है कि किसी को जिसको लग रहा है कि मे बी हो सकता है दे आर वेटिंग फॉर जस्टिस इन देयर लाइफ। किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी ना लूज़ कर दे बिकॉज ऑफ दैट। कुछ ना कुछ है उनकी लाइफ में जिसका वो वेट कर रहे हैं, मे बी अ मनी इशू, या मे बी हो सकता है कोई रिलेशनशिप, या मे बी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप या अनहेल्दी कोई सिचुएशन है जिसमें से वो बाहर निकलना चाहते हैं। येस, दे आर लाइक फीलिंग वेरी सैड एंड वेरी थोड़ा सा लाइक बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बट बैलेंस
आता हुआ लाइक नज़र आ रहा है, मे भी हो सकता है कि हो सकता है कि इस सिचुएशन में ज़्यादा देर तक ना स्टक रहें और कोई ना कोई बैलेंस आए जल्दी ही आप लोगों के रिलेशनशिप में। अभी हो सकता है चीज़ें लाइक थोड़ा सा होपलेस आपको लग रही हैं, बट बी इन पॉजिटिव स्टेट और आप नए साल में एंटर करें विद द पॉजिटिव माइंड एंड विद पॉजिटिव एनर्जी अराउंड यू, राइट, सो दैट आप पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करें। यस, कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट आपकी ज़रूर होगी, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, आपको वाइब्रेंट रहना है, आपको सो दैट आप अपनी लाइफ में ट्रैक कर सके। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, सो विक्ट्री आपकी ही होगी अगर आप पॉजिटिव रहेंगे इन लाइफ, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर करियर फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। आपका करियर कैसा रहेगा? Some sort of new offer, yes, you will be feeling complete, you will be feeling like, but maybe हो सकता है आप किसी चीज़ को लेके थोड़े से skeptical हो रहे हैं, किसी चीज़ को लेके like resist कर रहा है कोई यहाँ पे। Some sort of offer is coming your way for all the Scorpio people regarding your work, right? Or maybe you are feeling, you will be feeling very happy and fulfilled, but किसी चीज़ को लेके आप थोड़े से like resist कर रहे हैं, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं मे बी। या थोड़े से अपने आपको बाउंड फील कर रहे हैं किसी चीज को लेके, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज आपके तरफ कोई ना कोई न्यू ऑफर जरूर मुझे आता हुआ नजर आ रहा है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। या कुछ ना कुछ सक्सेस की तरफ आप बढ़ रहे हैं, आप किसी चीज़ को लेके कुछ ना कुछ आपकी तरफ, येस डेफिनेटली कोई ना कोई न्यूज़ आ रही है कुछ ना कुछ आपकी तरफ, लाइक मे बी यू आर वेटिंग या कोई ऑनलाइन या कुछ ना कुछ आपको हो सकता है कोई न्यूज़ रिगार्डिंग दैट वर्क मिले एंड कुछ ना कुछ है। येस डेफिनेटली सम न्यू बिगनिंग, वी हैव सन कार्ड, सो आप कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, यू आर लाइक एन एम्प्रर, आप कुछ ना कुछ लाइक यू आर वेरी लाइक लॉयल, वेरी काइंड हार्टेड और बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अचीव कर रहे हैं अपनी लाइफ में और यू आपने अपनी लाइक लाइफ में फोकस्ड है किसी चीज़ को लेकर, लाइक एम्प्रर यू आर फोकस्ड ऑन समथिंग, सो कुछ फ्रेश स्टार्ट, कुछ न्यू ग्रोथ, कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में इन योर करियर, राइट। और कुछ ना कुछ आपकी तरफ हो सकता है कोई मैसेज आए, मे बी आप थोड़े से बाउंड या रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, सर ऐसा ना फील करें, अपने आप को उसमें से रिलीज करें, राइट। यू आर हेडिंग टूवर्ड्स योर विक्ट्री सक्सेस। या सो अपने आप को लाइक मैंने कहा ना कि उस एनर्जी में से निकालिए एंड बी पॉजिटिव सो दैट आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी जल्दी ही आए, राइट। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल फॉर दिस वीक। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू कमेंट। थैंक यू सो मच।